फ्रेंड्स, शुभ प्रभात, शुभ दिन, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। पता नहीं आपको मेरा वीडियो कब मिले, इसलिए सारी विशेस मैंने आपको एक साथ दे दी। मैं मेघा कंसल, टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर, बहुत ही दिनों बाद अपनी वीडियो लेकर आई हूँ। आप सभी की रिक्वेस्ट आई कि वीडियो नहीं आ रही मैम, तो चलिए आज मैं आपको नवग्रह हीलिंग के बारे में बताने वाली हूँ कि नवग्रह हीलिंग क्या होती है। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही ये वीडियो बन रही है। एक्चुअल में आपने बहुत सारी हीलिंग्स के नाम सुने होंगे, प्राणिक हीलिंग है, रेकी है, थीटा है, ये सारी मोडालिटी हीलिंग्स के और भी बहुत तरीके की होती हैं। बट ये जो हमारी नवग्रह हीलिंग होती है, दैट इज ओनली फॉर द प्लैनेट्स। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जो लाइफ है वो प्लैनेट्स के इर्द गिर्द ही घूमती है, और हमारी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्लैनेट्स की वजह से ही हम रोटेट होते हैं, वैसे ही जैसे प्लैनेट्स चाहते हैं। तो क्या होता है जब हमारे और प्लैनेट के बीच में एक नेगेटिविटी की कॉर्ड जुड़ जाती है, यानी कि अगर हमने अपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्मास करे हैं जिसकी वजह से इस बर्थ में हमारा कोई प्लैनेट खराब है, तो हम उसे हीलिंग के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो नवग्रह हीलिंग में आपको मैं यही सिखाती हूँ कि आप अपने हर एक प्लैनेट को चेक करके कि मेरा कौन सा प्लैनेट मुझे दिक्कत दे रहा है, आप उसे हील कर सकते हैं। आपको इसमें एस्ट्रोलॉजी जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सिंपल घर बैठे अपनी फैमिली की खुद से हीलिंग कर सकते हैं, खुद से जान के। आप इसमें कुछ वैदिक रेमेडीज भी सीखेंगे इस नवग्रह हीलिंग के अंदर, और इसका जो बेसिक कोर्स है नवग्रह हीलिंग का, उसमें आपको इतना सिखा दिया जाएगा कि आप इजीली अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से हीलिंग आप कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर में बैठ के अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जो नवग्रह हीलिंग का एडवांस कोर्स है, उसमें आप कैंडल मैजिक के साथ, हम यंत्रों के साथ सारी चीजों को कंबाइन करके सीखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरी छोटी सी आपको इंट्रोडक्शन था नवग्रह हीलिंग के ऊपर। अगर आप भी नवग्रह हीलिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं घर बैठे हुए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी की वीडियोज में मैंने आपको सारी डिटेल्स दी है कि कौन कौन से कोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।